गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का जो हमारा जो नया चैप्टर जो है वो एसएसटी में चालू हुआ है, चैप्टर नंबर 14 मेन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है मतलब लगभग हमारे जो है लगभग तीन से चार चैप्टर जो है, हाँ चार चैप्टर लगभग जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसके पिछले वाले जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, और बाकी जो है हम आज नया चैप्टर जो है वो चालू कर रहे हैं कि हम लोगों का मतलब पिछला जो चैप्टर था एक तरीके से डेमोक्रेसी था। ठीक है, ऐसा और अब जो है हम उसके पीछे जो है मतलब उसके सामने जो है एक तरीके से क्या क्या मेन चैलेंजेस हैं। ठीक है, कि क्या क्या मुसीबत जो है वो हमको उसका सामना करना पड़ती है। ठीक है, डेमोक्रेसी को एक्वायर करने के लिए, तो देखो सबसे पहले तो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो एक इंट्रोडक्शन से हुई है कि इंडिया ने जो है वो सभी को पता है कि इंडिया ने जो है इंडिपेंडेंस कब अचीव किया था, तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और इंडिया ने जो है तब से अगर हम देखें तो बहुत सारी फील्ड में जो है वो प्रोग्रेस किया है, जैसे कि सोशली देखें हम। ठीक है, तो सोशली मतलब सामाजिक तौर पर। ठीक है, तो सामाजिक तौर पर जो है हम इसकी प्रोग्रेस देखते हैं। इकोनॉमिकली जो है पहले इंडिया 1947 के समय कहाँ था और आज कहाँ है। ठीक है, इकोनॉमी के मामले में। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं एक तरीके से। अभी हम लास्ट ईयर का अगर सर्वे देखते हैं, ठीक है, तो इंडिया ने जो है वो ब्रिटेन को जो है जीडीपी के मामले में पीछे कर दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि जीडीपी मतलब इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, स्वाभाविक सी बात है कि जीडीपी भी ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी एक तरीके से इकोनॉमी में जो है इंडिया पहले के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। उसी तरीके से पॉलिटिकल सेक्टर में भी अगर हम देखें तो इंडिया ने बहुत ज्यादा जो है वो प्रोग्रेस किया है। ठीक है, पॉलिटिकली हम देखें तो, लेकिन ये जो है ये प्रोग्रेस क्या अभी भी फास्ट है? मतलब अगर पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इंडिया से भी आगे है। ठीक है, तो क्या ये जो प्रोग्रेस है वो मतलब फास्ट है? तो नहीं, स्वाभाविक सी बात है, नहीं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रेस है वो क्या है? बहुत स्लो हो रही है। ठीक है, तो ये स्लो क्यों हो रही है उस चैप्टर इस चैप्टर में जो है हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि ये जो प्रोग्रेस हो रही है इंडिया की, ठीक है, वो स्लो क्यों है? ठीक है, इंडिया जो है फास्ट तरीके से क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है? तो ये जो है ये शुरुआत में जो है एक तरीके से ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसका देखेंगे कि मेन चैलेंजेस जो है वो कंट्री के सामने में क्या क्या है जिसके कारण कंट्री जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, मतलब सोशल इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इंडिया प्रोग्रेस को कर रहा है, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, कि इंडिया जो है वो स्लोली क्यों प्रोग्रेस कर रहा है? ठीक है, ये जो है ये रीजन जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेनली जो है वो इंडिया इतनी स्लो प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, तो इसके सामने क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है कि जब कोई एक विचारधारा जो है मतलब सभी लोग जब किसी एक कंट्री के अगर सिर्फ एक ही विचारधारा को सपोर्ट करते। ठीक है, आया समझ? जैसे मान के चलो कि जैसे आपकी क्लास, ठीक है, तो आपकी क्लास में जैसे अगर सभी लोग जैसे एक तरीके से ग्रुप बना करके बोल देते हो कि आज स्कूल जाना, ठीक है, आज स्कूल नहीं जाना। ठीक है, तो आज स्कूल नहीं जाने के चक्कर में क्या हो रहा है कि आप लोगों का कोर्स जो है वो खत्म नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये एक तरीके से कम्युनलिज्म है कि सब लोगों ने एक ग्रुप बना दिया और जो है आप जो है अपनी एक थिंकिंग को जो है सभी लोगों ने एक माइंडसेट करके रख दिया कि आज स्कूल नहीं जाना। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कम्युनलिज्म हुआ कि आप सभी की एक थिंकिंग कैसी है, एक ही है। ठीक है, और आप उसी को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये हुआ क्या? कम्युनलिज्म। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था, ये बेस्ट एग्जाम्पल था आई थिंक। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देख करके जो है समझ ही गए होंगे थोड़ा सा, तो सिंसियर रहो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? कास्टिज्म। तो कास्टिज्म भी जो है वो हमको देखने को मिल रहा है बेटा। ठीक है, कास्टिज्म मतलब जो है लोग जो है अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स में अगर कोई खड़ा होता है, ठीक है, तो लोग जो है उसको कास्ट देख करके, उसकी कास्ट देख करके क्या करते हैं? उसको वोट करते हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या हो रहा है कि वो जो बनता है वो उतना एलिजिबल है नहीं, उतना कैपेबल है नहीं कि वो जो है वो इलेक्शन लड़ सके या एमएलए बन सके, लेकिन एमपी बन सके। लेकिन लोग जो है वो कास्ट वाला होने के कारण उसको क्या करते हैं कि उसको वोट दे देते हैं। ठीक है, और वो जो है उसके हाथ में जो है पूरे मतलब एक असेंबली जो है मतलब एक तरीके से क्या होता है कि एक पूरा एरिया चले जाता है, और उसके कारण जो है फिर वो उतना डेवलपमेंट जो है वो उसके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अंडर में रहता है। ठीक है, फिर उस शहर का जो डेवलपमेंट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो कैपेबल था नहीं, तो फिर उसके कारण क्या होता है कि जो पूरा का पूरा जो शहर है वो उस पर जो है अच्छे से मतलब वो फोकस नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये कास्टिज्म होता है। फिर रीजनल फीलिंग्स, तो कुछ लोगों की जो है वो धार्मिक भावनाएं होती है। ठीक है, रीजनल फीलिंग्स मतलब वही क्या होता है कि धार्मिक भावनाएं एक तरीके से कई हिंदू मुस्लिम जो है ये बंटवारे वो भेदभाव करते हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो है बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द रीजनल फीलिंग्स।
फिर टेररिज्म हो गया, ठीक है। तो टेररिज्म तो सबसे बड़ी मतलब एक तरीके से जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, सारी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है। टेररिज्म के कारण क्या हो रहा है कि लोगों का जो है जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो प्रोग्रेस कंट्री की होनी चाहिए थी, वो रुक जाती है, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पर अगर कल कुछ टेररिज्म मतलब एक तरीके से लोग आतंकवादी लोग आ गए, ठीक है, तो वो उसके कारण क्या हो जाएगा। या पाकिस्तान में अगर हम देख ले तो पाकिस्तान में क्या होता है, आतंकवाद बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण जो है पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फिर ऊपर से हो गया पॉवर्टी, ठीक है। तो गरीबी के कारण भी जो है लोग जो है वो उतना क्या कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। उनका जो मेन जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी क्या होती है, रुक जाती है। जब कंट्री के पास पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से प्रोग्रेस कर पाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी जो है, ठीक है, लोग जो है वो बेरोजगार, ठीक है। तो उसके कारण भी क्या हो रहा है कि कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो पा रही बेटा। तो ये सारी चीजें जो है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ये बहुत सारे एक्सक्यूजेज है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में जो है इसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कंट्री फेस कर रहा है, जिसके कारण इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो क्या हो रही है बेटा, स्लो हो रही है, ठीक है। तो इट हैज नॉट बिकम पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू पे होल हार्टेड अटेंशन ओनली टूवर्ड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड यूटिलाइज ऑल द फंड्स एम्बार्क्ड फॉर देम, ठीक है। तो ये जो है ये पॉसिबल है नहीं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम देखिए तो ये क्या एक तरीके से पूरी तरीके से क्या कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग्स, टेररिज्म, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकती है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो सिर्फ जो है गवर्नमेंट सिर्फ ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान नहीं दे सकती, उसके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो और जो है वो सारे के सारे जो फंड्स उसको मिलते हैं, ठीक है, वो इसी के ऊपर वो यूटिलाइज नहीं कर पाती है। तो जो ऊपर हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स मेंशन करे वो क्या कर दिए, धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और जो धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स अगर बढ़ेगी तो वैसी वैसी जो है कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो क्या होती जाएगी, और डगमगा जाएगी, एक तरीके से जो हो रहा था वो भी नहीं हो पाएगा या और स्लो हो जाएगी कंट्री की प्रोसेस। तो दिस इज अननेसेसरीली डिस्टर्बिंग पीस एंड हार्मोनी इन द कंट्री, और जिसके कारण क्या होगा कि इंडिया में जो भी शांति बनी हुई है एक तरीके से, और जो भी सद्भावना मतलब एक तरीके से जो लोगों के अंदर एक अच्छी भावना जो बनते जा रही है वो क्या होती जाएगी, वो नहीं रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमको देखने को मिलती है, डिस्टर्बेंस हो जाएगा मतलब एक तरीके से कंट्री के अंदर। मोर ओवर सर्टेन ओल्ड ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड बिलीफ्स विच आर नॉट इन कंफर्मिटी इन द प्रेजेंट डे सिचुएशंस आर प्रिविलेंट इवन टूडे इन द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो और जो है पुराने जो ट्रेडिशंस है, जो कस्टम्स है और जो बिलीफ्स है वो एक तरीके से प्रेजेंट डे सिचुएशन में हमको दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में। वायलेंस बाय टेररिस्ट समटाइम्स अज्यूम सीरियस सिचुएशन, ठीक है, जो टेररिस्ट के द्वारा जो वायलेंस किया जाता है वो कभी कभी जो है बहुत ज्यादा एकदम भयानक जो है वो देखने को मिलता है हमको, ठीक है। तो इट इज द टाइम दैट सीरियस थॉट इज गिवन टू दिस चैलेंजेस एंड एफर्ट्स आर मेड टू कॉम्बैट देम, तो ये वो समय है जिसके जिसमें हमको क्या करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो जिससे इंडिया लड़ रहा है, ठीक है, उसके उससे जो है वो हम पूरे देश के जो लोग हैं, देश के जो नागरिक है उसको भी क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर पहली जो समस्या दी हुई है वो है क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो मैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। तो मेनली ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है उसको देखो, मैं दो लाइन में जो है एक तरीके से समझाया हूँ आपको, दो लाइन लिखा हूँ कि एज पर द सेंसस 1901, ठीक है, मतलब जनगणना 1901 में जो जनगणना की गई थी उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 23.8 करोड़, ठीक है। और उसके बाद 2011 में जो है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी बेटा, 121.6 करोड़, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है क्या कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की एक तरीके से आपको डेफिनेशन जो है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो मीनिंग है वो इसके माध्यम से जो है आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है बेटा कि 1901 में इंडिया की पॉपुलेशन जो थी सिर्फ वो 23.8 करोड़ थी, लेकिन 2011 में जो है मतलब इतने कम समय में एक तरीके से देखा जाए तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो 121.6 करोड़, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, अचानक से बढ़ जा रही है, ठीक है। बहुत कम समय में पॉपुलेशन क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है ये, क्या कहलाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। क्यों, क्योंकि अब देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है बेटा, तो उसके कारण क्या होगा कि रिसोर्सेज जो है, ठीक है, रिसोर्सेज क्या होगा, रिसोर्सेज वो यूज करेंगे, ठीक है। जितने ज्यादा लोग रहेंगे तो उनको क्या लगेगा, उतने ज्यादा खाना, ठीक है, पानी, ये सारी चीजें लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमको लग रही है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है पॉपुलेशन का वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और इतना ज्यादा हो जाता है कि जो रिसोर्सेज है उसकी क्या हो जाने की कमी पड़ जाने लगती है। तो ये कंडीशन को क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला जाता है। जितने भी एफर्ट्स जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री आर नलीफाइड बिकॉज ऑफ द फास्ट ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। और फिर उसके कारण क्या होता है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, उससे प्रभावित होगा या नहीं होगा,
ठीक है, इंडिया का जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, उससे प्रभावित होगा। मतलब इंडिया जो है अब क्या कर पाएगा कि इंडिया मतलब एक तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर फोकस कर पा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो है इंडिया को क्या करना पड़ेगा, ये पॉपुलेशन उनकी जो जनसंख्या है उनको क्या करना पड़ेगा, उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उनको अच्छे अच्छा खाने की सुविधा देनी पड़ेगी, ठीक है, उनको अच्छा जो है उनको हेल्थ फैसिलिटीज जो है उनको हेल्थ सेंटर जो है उनके लिए बनाने पड़ेंगे। तो ये इसके कारण क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण जो है इंडिया की डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, एक तरीके से बाधाएं जो है वो हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हुआ कि ये एक मेन चैलेंज हो गया किसके प्रति, डेमोक्रेसी के सामने। ठीक है, डेमोक्रेसी के सामने, लोकतंत्र के सामने, जनतंत्र के सामने जो है एक हमको मेन चैलेंज के तौर पर दिखाई देता है ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अगर हम देखें तो जो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 2.4% है। ठीक है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के 2.4% है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के कितने हैं बेटा, 2.4% है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है, 16.8% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन के। इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में कौन से रैंक पर आता है, तो सेकंड। फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो चाइना। ठीक है, तो ये इतना याद रखना, ये एक फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके कारण क्या हो रहा है कि फूड की प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है, क्लॉथिंग कपड़े की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, शेल्टर मतलब आवास स्थान जो है वो मतलब रहने के लिए अब उनको जगह भी देना पड़ेगा ना, जितनी पॉपुलेशन रहेगी जितने लोग रहेंगे तो उनको जगह भी देना पड़ेगा रहने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या हो रही है, एक तरीके से प्रॉब्लम जो है वो इंडिया के डेवलपमेंट में आ रही है। ठीक है, जो डेथ रेट है, अब उसके बाद ये जो है ये पॉपुलेशन बढ़ने का एक और रीजन क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ने का एक रीजन तो ये है कि ये जो मोर्टिलिटी रेट है, ठीक है, वो क्या है, कम है इंडिया की। ठीक है, मतलब देखो आप जैसे इंडिया में जो है मान के चलो अगर अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, कोई कंट्री में अगर अच्छी फैसिलिटी मिल रही है सपोज, तो वहां पर क्या होगा बेटा,